हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो एसबीपीओ के लिए आज हम डे नंबर 27 में आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको डे 26 तक वीडियो कवर करवा चुका हूं, ठीक है? तो डेली बेसिस पे आपको सिर्फ क्वांट से तीन वीडियोज मिलती हैं, एक सुबह 9 बजे, एक 11 बजे और एक आपको इवनिंग में 3 बजे, ठीक है? ये इवनिंग में 3 बजे वाली क्लास है, वो बेसिक क्लास है, जो हम बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। इसके अलावा जो क्लासेस हैं, एक दोनों ये आपके प्री प्लस मेंस के लिए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम में न्यू पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम आपको कवर करवाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो सेशन अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी को पता है कि न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली आपके टाइम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा ये आपके अर्थमेटिक पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इसके अलावा CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक जो अर्थमेटिक का आपका बेस होता है उसी पे डिपेंड होते हैं, जिसको हम डेटा इनक्वालिटी भी करवा देते हैं, कभी डेटा इनक्वालिटी के फॉर्म में भी आपको करवाते हैं, कुछ ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको करवाते हैं। तो ये न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए आज इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें देखिए मेनली हमारा एक ही मोटिव होता है कि जल्दी से जल्दी कवर करें, और इसमें हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंप्लीट डेटा नहीं होता। अगर डेटा कंप्लीट हो तो हम कर सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 45,000, 32,000 एंड रुपीज, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी एबीसी है वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 45,000, 32,000, और जो सी की वैल्यू है वो आपकी मिसिंग है इतने रुपए इन्वेस्ट करके। आफ्टर 5 मंथ ए विड्रॉ रुपीज 15,000 एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज, यहाँ पे ब्लैंक है मोर। यानी कि 5 महीने बाद ए है, जो इसकी टोटल अमाउंट उसने पहले इन्वेस्ट की थी उसमें से 15,000 रुपए निकाल लेता है, और बी है कुछ अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन वो आपकी मिसिंग है, यानी ब्लैंक में कुछ वैल्यू आएगी। एंड आफ्टर अनदर 3 मंथ सी इन्वेस्टेड 25% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मोर, यानी कि 3 महीने और, ठीक है, यानी पहले 5 महीने बाद बदला था, लेकिन उसके 3 महीने बाद है ना आपकी सी है वो 25% है, जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करता है उसकी बढ़ा के इन्वेस्ट अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, यानी 25% कर देता है उसकी अमाउंट। रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ एबीसी एट द एंड ऑफ द ईयर इज 435, 440, 364, एक साल के बाद इनका जो आपका शेयर है रेशियो वो गिवन है, ठीक है, जो इनका रेशियो है शेयर का वो अलग अलग आपको यहाँ पे गिवन है एबीसी करके। अब देखिए मोस्ट ऑफ द दिक्कत कहाँ आती है कि डेटा आपके पास कंप्लीट नहीं है। अगर डेटा कंप्लीट होता तो हम इजिली निकाल लेते, ठीक है, यहाँ पे हमें या तो सी की वैल्यू पता होनी चाहिए और यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो चेंजेस वो पता हो तो हम निकाल लेते। तो हम इस तरह की कंडीशन में ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से ही सोल्व होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। फर्स्ट में क्या रह रहा है कि सी है वो 22,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, क्योंकि पहले ब्लैंक में देखिए सी की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 22,000 इन्वेस्ट करता है और 6,000 रुपए बी और एड कर देता है 5 महीने बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ओवरऑल रेशियो निकालेंगे, ए इसके बाद बी है आपका और सी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूं तो कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, 45,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, 45,000 कितने महीने तक, 5 महीने के बाद, क्योंकि आप क्या कहते हैं 5 महीने बाद 15,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, तो यानी 5 महीने बाद अगर विड्रॉ करेगा 45,000 में से 15,000 माइनस कर दे तो कितना बचता आपका 30,000, यानी 30,000 रुपए बच जाते हैं। और कितने महीने के लिए, एक साल की बात हो रही थी, 5 महीने जा चुके हैं तो पीछे कितने बचे, 7 महीने, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो रेशियो गिवन है वो आपके पास है 435 रेशियो 440 और यहाँ पे 364। ये मैंने क्यों निकाला है ध्यान से देखना, देखिए इसका जो सम करोगे ना, इन दोनों को कैंसिल आउट मत करना, यहाँ पे आपको एक्जैक्टली यही रेशियो मिल जाएगा तो कम आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज, ये चीजें देखो एक बार, यहाँ पे अगर मैं 45,000 है इसकी 5 से गुना करूँ तो कितना बनेगा, देखिए 45,000 है, मैं 3 0 एजिटीज पुट कर देता हूँ, ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 20 2 22, ठीक है। और अब 30,000 की 7 से गुना करोगे तो 2,10,000 हो जाएगा ना, 7 21 होते हैं। अब इनका सम करो एक बार आप, ठीक है, 0 0 0 5 2 1 3 और 3 2 2 4, यानी 4,35,000 जो रेशियो 435 बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो सम आएगा उसका सम 4,40,000 होना चाहिए, यानी बी की जो टोटल सम आएगा वो 4,40,000 होना चाहिए, लेकिन बी की हमें अमाउंट है पहले तो गिवन है ना 32,000, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 5 महीने बाद चेंज करता है, क्योंकि 5 महीने बाद इतने रुपए और इन्वेस्ट कर देता है। ब्लैंक की हेल्प लीजिए, 6,000, 32 + 6 = 38,000, ठीक है, यानी 38,000 हो जाएगा, कितने महीने तक बची हुई, 7 महीने हैं, तो 32 की 5 से करोगे तो कितना बचते हैं, देखिए 32 × 5 कितना होता है 160, ठीक है। चलिए मैं आपको सोल्व करा देता हूँ, 0 0 0, ठीक है, 2 5 10 1 5 15 1 16, ठीक है, 1,60,000। अब 38 की 7 से करोगे तो 3 0 एजिटीज पुट कर दो, 7 6 7 8 56, 5 कैरी 7 21 21 और 5 कितना बनता है आपका 26, ठीक है, इनका सम कर दो बस, 0 0 0
छः छः बारह एक कैरी दो एक तीन एक चार, यानी 426 आएगा। हमें चाहिए क्या था? 440, ठीक है, क्योंकि देखिए 440,000 आएगा लेकिन 426,000, यानी रेशियो 426 बनेगा। तो ये आपकी हेल्प ऐसे कर सकता है। मैं आपको कंप्लीटली भी सोल्व करा सकता था कि यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन थी ना 22,000, वो पुट कर देता, उसमें देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर ए की जो कंप्लीट वैल्यू आपको गिवन है कि कितना निकालता है और कितने अमाउंट रहती है कितने टाइम के लिए, और उसका रेशियो गिवन है, तो हमें पता लग गया कि वैल्यूज इतनी आएंगी, तो आगे आपको कंप्लीट डेटा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको बी की एक वैल्यू गिवन थी और यही चेंज हो रही है ना, ये ऑप्शन से देख लो और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और कैंसिल आउट नहीं करोगे तो और जल्दी आपका आएगा। समझे चीजें? ठीक है, यानी यहाँ इसका जो रेशियो है वो इसके इक्वल नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सेटिस्फाइंग नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ रही है। सारी वैल्यू दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ए ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू है ये भी सेम रहेगी, सिर्फ ये चेंज हो रही है। ठीक है, अगर ये चेंज होके इसका रेशियो अगर 440 आ रहा है तो सही बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बाकी की जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, यानी 45,000 क्लियर है गुना 5, 30,000 गुना 7, ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू आपको चेंज करनी है हर ऑप्शन में और कुछ नहीं करना। ठीक है, बी क्या है, बी के कितना हो रहा था 32,000, ठीक है गुना 5, अब क्या कह रहा था कितना इन्वेस्ट करेगा 10,000 और बताना, 32 + 10 42,000, ठीक है यानी 42,000 गुना 7, क्योंकि 7 के लिए हो रहा है ना, तो ये तो हमें पता है इनका सम अभी अभी जस्ट हमने किया था 2,25,000 आएगा, तो इसको आपको करने की जरूरत है ही नहीं, और प्लस इसका 21,000 आएगा। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे तो हमें पता है कितना आएगा आपका 4,35,000, इसको तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी निकाल चुके हो। हर ऑप्शन में आपको चेंज क्या करना है, ये वाली वैल्यू बस इसको चेक कर लेना, आपने 32,000 की 5 से गुना करी कितना आया था 1,60,000, तो उसको एज इट इज रख दो। ठीक है, ये मैं एक एक चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब 42,000 है, इसको 7 से गुना करूं, ठीक है 3 0 तो एज इट इज पुट कर दो, 7 × 2 = 14, एक कैरी 7 × 28 = 29, यानी 29,400। अब 3 0 एज इट इज रख दो, ठीक है 4 9 6 15, एक कैरी 2 1 3 1 4, यानी 454 आ रहा है, रेशियो कितना चाहिए 440। ठीक है, तो यही आपको देखना है कि रेशियो अगर इसके इक्वल आ रहा है तो आगे वाली वैल्यू चेक करेंगे, नहीं आगे वाली निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बी की वैल्यू नहीं आ रही तो हम सी का देख के क्या करेंगे। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा स्टेप बताना चाहता था कि बाकी एक बार आपको पता लग गया, बस ये वाली वैल्यू आपको चेक करनी है। अब सी ऑप्शन को मदद लोगे तो क्या क्या करोगे आप, आपको पता है पहले ये आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और 32,000 5,000 का सम पता है आपको, 1,60,000 का चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 32,000 में कितना ऐड कर रहा है, 8,000 ऐड कर रहा है ना, तो आप क्या करो 32 + 8 यानी 40,000 कितने महीने के लिए कर रहा है, 7 महीने के लिए, तो 40 × 7 से गिनोगे तो आपको पता है 2,80,000 आएंगे, यानी 1,60,000 में से सीधा ओरली सोचना ये चीजें 2,80,000 ऐड कर दो, बस इतना सम देख लो, 0 0 0 6 8 6 14, एक कैरी 2 1 3 1 4, यानी कितना है 440 बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि यहां तक तो आपको कंफर्म है, अब यहां तक हम टिक नहीं करेंगे, अगर जिसका 440 आ गया तो आगे चेक कर लेंगे सी का, तो सी का यहाँ पे कितना बता रहा था 28,000, ठीक है यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 28,000 कितने महीने तक, इसने क्या कहा था 5 महीने तक, तो पहले ए भी चेंज करते हैं उसके 3 महीने बाद सी चेंज करता है यानी 8, तो मैं गुना 8 कर दूंगा। यहाँ पे कितना 25% इनिशियल अमाउंट, 28,000 अगर उसकी इनिशियल अमाउंट थी उसका 25% और बढ़ा देता है, यानी कि 28,000 का 5/4 कर लीजिए, ठीक है गुना 5/4, 4 से करोगे 4 × 7 = 28, यानी 7 × 7 = 35,000 हो जाएगी उसकी अमाउंट। ठीक है, तो 35,000 गुना 4, क्योंकि 8 महीने तक कर चुका है ना, तो 28 के 8 से गुना करोगे, 28 कितना होता है आपका 224 होता है ना, ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 2,24,000। ठीक है, चीजों को समझना एक एक चीज, और यहाँ पे 3,500 के कितना होता है 140, तो यहाँ पे 3 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 4 2 6 2 1 3, यानी 364, तो ये आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा हूँ कि जो सी का रेशियो है 364 ही आ रहा है। तो ऐसे स्मार्ट वर्क करना है, अगर मैं चाहता ना तो आपको ए बी सी हर एक ऑप्शन को ले लेके करके दिखा सकता था, बट उसमें क्या होता, सिर्फ आपका टाइम कंजप्ट होता। ठीक है, टाइम कंजप्ट होता, बस समझने वाली बात ये थी कि ए का जो पूरा डेटा है सेम रहता है डिट्टो, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बी का जो फर्स्ट वाला होता है वो भी आपका डिट्टो रहता है, लेकिन सिर्फ ये चेंज करता है कि कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, अगर उसका रेशियो उसके इक्वल आए तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है सी को, सिर्फ यानी कि एक छोटी सी हेल्प, और वो भी ओरली सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में दिया था 10,000, 32 में 10 ऐड करोगे तो आपको पता है कितना होता है 42 के हिसाब से करोगे तो आप देख लेना उसका सम इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो, वही पूरा डेटा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई होप जो मैं कहना चाहता था वो आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी ना समझ आए तो बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, मैं शॉर्ट से शॉर्ट कराने की कोशिश करूंगा, बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो इस चीजों में, कुछ भी हार्ड नहीं है, चीजों को समझो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है, इस शॉपकीपर अलाउड
यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज आएगी ऑन एन आइटम ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड ही सफर्ड लॉस ऑफ, यहाँ पे फिर से परसेंटेज आएगी, ठीक है। यानी एक शॉपकीपर है, किसी भी पर्टिकुलर आइटम के मार्क्ड प्राइस के ऊपर यानी जो लिखित मूल्य है उसके ऊपर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देता है ताकि उसको ओवरऑल इतने परसेंट का लॉस हो। इन दोनों ब्लैंक्स में पहले में आएगा डिस्काउंट परसेंटेज, सेकंड में आएगा कि उसको कितने रुपए का लॉस होता है, ठीक है। ही अलाउ ओनली 10% डिस्काउंट, देन द प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 8%। अगर वो उस आइटम के ऊपर 10% का डिस्काउंट देता तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 8% का। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा। सबसे पहले समझने वाली बात होगी, थोड़ा सा लॉजिकल समझना, ठीक है। उसको 8% की फायदा कब होगा, ठीक है, उसको 8% का फायदा कब होगा, मान लेते हैं उस पर्टिकुलर आइटम का, मान लीजिए क्योंकि वैल्यू कुछ नहीं दी हुई, मान लिया हमने उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य लिखित जो उसने खरीदा वो मूल्य है वो 100 रुपए है, ठीक है। उसके ऊपर 8% का उसको प्रॉफिट कब होगा, जब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 108 रुपए होगा, तभी होगा ना। आपको पता है अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है और आपको 8% का लाभ चाहिए यानी प्रॉफिट चाहिए, तो कितने पर करोगे, 108 रुपए में बेचोगे, 108 रुपीज में बेचोगे, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी 108 रुपए में बेचोगे, किस पे, मार्क प्राइस पे ना, ठीक है, मार्क्ड प्राइस। इसने क्या कहा, 10% का डिस्काउंट दे, यानी जो 108 वैल्यू है वो 90% की वैल्यू, क्योंकि इसने 10% का डिस्काउंट दिया और हमें मार्क प्राइस पता करना 100, ठीक है, समझे चीजों को। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करो, नो एकम नो, नो दुनिया 18, यानी मार्क प्राइस हमारा आ गया 120 रुपए, ठीक है। यानी एमपी हमें पता लग गया 120 रुपए। इसने क्या कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर चीज है, आपकी आइटम है वो, उसके पे 8% का प्रॉफिट हो, यानी 108 रुपए में बेचेगा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे और वो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे, 10 देगा तभी 108 में बिकेगी, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस सब कुछ पता लग गया, चीजें समझना। अब ऑप्शंस में आपको हेल्प बहुत ज्यादा मिल जाएगी और इजीली विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हो। क्या कहा था इसने, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि अगर 30% का डिस्काउंट दे तो 10% का लॉस होगा। अगर मार्क्ड प्राइस हमने कितना निकाला, 120, अगर 120 है उसके ऊपर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 30% का बोला रहा है, यानी इसका 70/100 कर दो, ठीक है। 70/100 करोगे, यहां से करोगे तो 12/7 कितना होता है, 84, यानी 84 कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 16% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10% का हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन में कह रहा है ना 10% का हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 25% का डिस्काउंट देता है जिसको कारण उसको 15% का लॉस होता है। अगर मार्केट प्राइस आपका 120 है उस पर 25% का डिस्काउंट दे देता है, यानी 75%, 75% यानी 3/4, 4×4, 4×12, यानी 90 रुपए का बेच रहा है, ठीक है। 90 रुपए का हो रहा है तो इसको कह कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 10% का, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 था, 90 का बेच रहा है तो 10% ही लॉस होगा ना, यानी कि दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी है कि 35% का डिस्काउंट दे रहा है जिसके कारण 22% का इसको लॉस हो रहा है। चलिए मार्केट प्राइस आपका 120, उसमें 35% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी इसको 65% में बेचेगा, ठीक है, 65%। यहाँ पे करोगे तो 20×5=100, 20×6=120, 5 से करोगे इसको, 5×5=5, 5×3=15, ठीक है। 13×6 कितने होते हैं आपके, 78, यानी 78, ठीक है, यानी 78 हो गया ना आपका। चलिए यहां से अगर 78 हो गया तो कितने परसेंट का इसका बचा, 22% पीछे, क्योंकि 22% का लॉस हो रहा है और ऑप्शन में यही कह रहा है कि 22% का लॉस हो रहा है। तो हम ये, यानी कि ये तो आपका सही है, लेकिन एक गलती मत कर देना, आगे चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है बोथ सी एंड डी, तो हो सकता है डी भी मिल जाए, तो डी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट देगा तभी उसको 10% का लॉस होगा। अगर 120 रुपए उसका मार्केट प्राइस है, 20% का डिस्काउंट देगा, यानी 3/4, 25 का देगा तो इन पीछे कितना बचेगा, 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 4×12=0, यानी 90 रुपए। तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ इसको, तो वही ऑप्शन में कह रहा है कि 10%, तो यानी बोथ सी एंड डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखा कितना शॉर्ट इसको हमने बनाने की कोशिश की है। देखिए मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया, पहले हमें यह समझना था कि इसका मार्केट प्राइस कितना आएगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, इसके बाद कुछ नहीं था, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात थी, और बताइए कि कोई बड़ी कैलकुलेशन हुई इसमें, बिल्कुल नहीं हुई, चीजें सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छे मेथड से कराएंगे, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग मेथड से कराने की कोशिश करेंगे, बस आप थोड़ा सा समझ लो स्टार्टिंग में। अगर समझ गए कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कैसे आया और आपका सेलिंग प्राइस कैसे है, ठीक है। बाकी इसके ऑप्शंस की हेल्प हमें लेनी पड़ती है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिना ऑप्शन की हेल्प हम कर सकते हैं, क्योंकि आपके ब्लैंक होते हैं, आपको पता है अगर डेटा कंप्लीट नहीं होगा तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कंप्लीटली जो सीआईएसआई पे बेस्ड है, जैसा कि मैंने सभी को आपको कहा कि अर्थमेटिक पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट द रेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज आपकी गिवन आएगी, यानी कि सीआईएसआई का डिफरेंस है जो किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आएगा ब्लैंक में, पर एनम फॉर 2 ईयर, यानी 2 साल के लिए इस रुपीज, और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस आएगा सीआईएसआई का, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम
एट द रेट ऑफ 15% पर एनएम फॉर द 5 ईयर इज 33,750। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है कि कंप्लीटली इतना आएगा आपका, यानी कि जो एसआई आया है ना, एसआई आएगा 33,750 किसी भी पर्टिकुलर सम पे 5 साल के इंटरेस्ट के हिसाब से 15% पे, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं यहाँ से, पहले हमें प्रिंसिपल भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो प्रिंसिपल तो निकाल लेते हैं ताकि फिर हमें देखिए सीआईएसआई का डिफरेंस निकालने में इजी हो जाएगा। आपको रेट गिवन है 15% है, ठीक है, नीचे देखो, और टाइम कितना है 5 साल है, ठीक है, 5 ईयर। और क्या कहा है एसआई, एसआई यानी क्या होता है, एसआई से समझते क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसका ये डिफरेंस होता है कि जितने भी साल के लिए रहेगा ना तो कॉमन रहेगा, जैसे कि 15% है तो पहले साल भी 15% लगेगा, दूसरे साल भी 15% लगेगा, तीसरे साल भी 15%, चौथे साल भी 15% और पांचवें साल भी 15%। और अगर यहाँ पे सीआई होता कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो क्या होता, ब्याज पे ब्याज, यानी कि पहले साल आपने 15% दिया उसका ब्याज भी दूसरे साल आपको लगेगा, और अगर दूसरे साल तीसरे साल क्या होगा कि इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा। तो ऐसा इनका डिफरेंस होता है, ठीक है, चीजों को समझना। अगर एक साल का रेट 15% है तो 5 साल का कितना है रहेगा, सीधी सी बात है, आप क्या करो 15 की 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 15 × 75% यानी 75%, ठीक है, 75% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहाँ पे 33,750 गिवन है, समझे चीजों को समझे, 33,750 जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितने प्रतिशत की है, 75% की, यानी 15 × 5, क्योंकि एक साल का 15% है तो 5 साल का कितना होगा, 15 × 5 = 75, हमें किसकी निकालनी, 100% की वैल्यू, तभी हमारा प्रिंसिपल आएगा ना, ठीक है, चीजों को समझना। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 से करोगे 5 × 6 = 30, 3 बचेगा यानी 37, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 6750। अब इसको 15 से कैंसिल आउट करो, यहाँ से देखिए 15 × 6 = 60, 15 × 5 = 75, 0, यानी आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 45,000 यानी 45,000। अब मैंने प्रिंसिपल क्यों निकाला, अगर प्रिंसिपल हमें पता है 100% की वैल्यू है तो सीआईएसआई की वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे ना, डिफरेंस निकालने का भी एक तरीका होता है। अब ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, यानी ये जो 1, 2, 3 है इनकी हेल्प लेंगे किस किस से हमारा आंसर आ पता है। यानी पहले वाले देखते हैं कि कह रहा है कि जो सीआईएसआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी रेट परसेंट है वो है 12%, जिसके कारण इनका डिफरेंस आता 648। अगर मैं पहले की बात करूं, सीआई निकालने की बात करूं, तो देखिए सीआई का और एसआई का डिफरेंस मैंने बताया था कि एसआई क्या होता है कि सभी साल के लिए कॉमन रहेगा, इसने क्या कहा था 2 ईयर, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा सीआई एसआई 12 × 12, क्योंकि 12% एक साल का होता है, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 12 + 12, ठीक है, यानी 24%, यानी 2 साल का 24% हो जाएगा। और सीआई की बात करूं तो पहले साल के लिए 12% लगेगा, दूसरे साल के लिए 12 लगेगा, लेकिन इसके ऊपर भी तो लगेगा ना रेट, तो 12% का 12% क्या होगा, 12 × 12 कितना होता है 144, यानी 1.44 हो जाएगा, ठीक है, तो 12 × 12% होता है 1.44, और इसका डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, 12 × 12 = 24 तो कॉमन, यानी 1.44, तो हमें यही तो निकालना है, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है आपकी कंप्लीटली 45,000 वो कितने की वैल्यू है, आप सभी को पता है 100% की वैल्यू है, और हमें निकालनी कितने की है 1.44 की निकालनी है, ठीक है, कितने की निकालनी है 1.44 की, 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो। अब देखिए इसमें डिवाइड बाय 100 कर देते हैं ताकि आपके जो पॉइंट है वो कैंसिल आउट हो जाए, 10 से 10 कैंसिल आउट कीजिए, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 45, 2 से करोगे 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 72 की 9 से कर दो, 9 × 2 = 18, 1, ठीक है, 7 × 3 = 63, 1 = 64, यानी 648, तो यही आपका डिफरेंस आ रहा है, बस यही तो करना था, और आपके 1.44 की वैल्यू निकालनी 648, यानी पहला ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि 10% के हिसाब से ₹450 इसका सीआईएसआई का डिफरेंस आ रहा है। अगर सीआई निकालूं फर्स्ट का 10%, सेकंड ईयर का 10%, लेकिन 10% का 10% कितना होगा 1, ठीक है, और एसआई की बात करें तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, पहले साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए 10, यानी 20%, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 × 10 = 20, 21, यानी 1% की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर 45,000 100% की वैल्यू है, 1% की कितनी होगी, डिवाइड बाय 100 यानी ₹450, तो यही आपका आ रहा है, यानी ऑप्शन बी भी हमें सेटिस्फाई कर रहा है। चीजें समझी क्या कि नहीं, कोई डाउट हो तो बताइए, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अब ऑप्शन नंबर थर्ड कि 15% के हिसाब से 956 इसका डिफरेंस आ रहा है, 15% के हिसाब से, अगर मैं सीआई की बात करूं, ठीक है, 15% फर्स्ट ईयर के लिए, 15% सेकंड ईयर के लिए, 15% आएगा, लेकिन उसका 15% लगेगा, 15% के यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है ना, यानी 2.25, ठीक है, कितना हो जाएगा 2.25। अगर एसआई की बात करें तो 2 साल के लिए सेम रहता है, यानी 15-15, तो डिफरेंस क्या निकला 2.25। अगर 45,100 की वैल्यू है तो हमें 2.25 की निकालनी होगी ना, ठीक है, 2.25 की। अब देखिए निकालने का भी एक तरीका होता है, 20 से 20 कैंसिल आउट की। अब 450 को ये तो है नहीं कि 225 से गुना करोगे, थोड़ा सा समझो, 450 × 2 कितना होता है, सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है 45 × 90 यानी 900 होता है, ठीक है, प्लस 450 × 0.25 यानी 1/4, ठीक है, 450 है इसका 1/4, करोगे तो 4 × 4 = 4 यानी 111 के अराउंड आएगा आपका,
ठीक है, 111 के राउंड आएगा, यानी 111 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, यानी 900 या करोगे या तो 1011 आएगा, 1011 पॉइंट समथिंग आएगा, और ऑप्शन में क्या दे रखा है 956, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिस्फाई करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे चीजों को, सिंपल बनाई है आपके लिए, बिल्कुल ही सिंपल, ऐसा नहीं कि हमने एक्स का यूज किया हो, वाई का यूज किया हो, हम मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझाई जाए, बिल्कुल ही सिंपल और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इन चीजों में देखिए, ऐसा कोई भी, आप सभी को पता है कि ब्लैंक दिया हुआ है तो हमारे पास डेटा नहीं है और हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शंस की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, बट ऑप्शंस की हेल्प भी एक स्मार्ट वे से ली जाती है। अगर मैं पूरा डेटा आपको कैलकुलेट करके दिखाता, एक एक चीज, अगर मैं बात करूं पहले SI की जगह, मैं आपको सीधा ये दिखा देता, SI निकाल देता कि 45,000 का 12% इतना आएगा, ठीक है, SI निकालता पूरा, फिर CI पूरा निकालता, फिर उसका डिफरेंस आपको देता, फिर मैच करता, वो ज्यादा टाइम कंजप्शन हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद देखिए इस सीरीज का सबसे डिफिकल्ट है आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो होमवर्क रहेगा, ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले सबसे इजी है, इसको तो आप वैसे भी कर सकते हो। क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ, यहाँ पे पर्सन आएंगे, इज इंक्रीज बाय 3 व्हेन वन ऑफ द पर्सन हुज वेट इज 50 kg रिप्लेस बाय 2 वुमेन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरेज वेट है कुछ पर्सन का जो इंक्रीज हो गया 3 kg के हिसाब से, पर पर्सन 3 kg, ठीक है, बाय 3, ठीक है, व्हेन वन ऑफ द पर्सन हुज वेट इज 58 kg रिप्लेस बाय 2 वुमेन, दो वुमेन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 2 वुमेन इज, यहाँ पे एवरेज वेट आई उन वुमेन्स की कितनी होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। समझना पहले, अगर देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था कि कितने पर्सन है, ठीक है, जिसके कारण उनका एवरेज वेट इंक्रीज हो गया 3 kg पर पर्सन के हिसाब से। ऑप्शन ए में कहें तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि 16% थे जिसके कारण एवरेज वेट आई एक वुमेन की 52 kg, अगर 16% थे तो 3 kg के हिसाब से उनका वेट इंक्रीज हुआ, यानी टोटल वेट कितना इंक्रीज हुआ, 16 × 3 = 48 kg, ठीक है, यानी 48 kg वेट इंक्रीज हुआ ओवरऑल। उसने उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, 58 kg वाले को रिप्लेस किया था, यानी इसमें से 58 kg वाले को रिप्लेस किया इसने, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 8 × 8 = 16, 1 × 5 = 9 = 10, यानी 106 kg, यानी उन दोनों वुमेन्स का मिला के वेट 106 kg था, तभी उन्होंने एक आदमी है जिसका वेट 58 kg उसको रिप्लेस किया, और उसके बाद जो वेट इंक्रीज हुआ 3 kg पर हिसाब से हुआ, क्योंकि देखिए अगर 58 kg उनका वेट होता तो वो रिप्लेस करते तो एवरेज वेट नहीं इंक्रीज होती, क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए पहले उस ग्रुप में 58 kg का पर्सन था, अगर उसको इस जगह 58 kg का ही भेजा जाए तो एवरेज वेट नहीं इंक्रीज होगा, यानी उसको अगर हमें एवरेज वेट इंक्रीज हुआ है 3 के हिसाब से, तो यानी कि ओवरऑल कितना वेट इंक्रीज हुआ 48 kg, यानी हमें एक्स्ट्रा 48 kg का पर्सन वहां बेचना चाहिए था, तभी वहां पे क्या हुआ एवरेज वेट इंक्रीज। अगर दोनों का 106 केजी आया है तो एक का क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, यानी 53 kg, ऑप्शन क्या है 52 kg, यानी कि 52 kg एवरेज दिखा रहा था, यानी गलत हो जाएगा, यानी पहला में सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए दूसरी की तरफ, 14% है, 48 kg है वुमेन्स की एवरेज वेट आ रहा है, अगर 14% है तो 14 × 3 कर दो, ठीक है, कितना आएगा 42 kg, यानी 42 kg ओवरऑल वेट इंक्रीज हुआ है 58 kg को रिप्लेस करके, ठीक है, 8 × 2 = 10, 1 × 5 = 9, 9 × 1 = 10, यानी 100 kg, ठीक है, यानी एवरेज कितनी आ जाएगी इसकी 50 kg पर वुमेन के हिसाब से, और ऑप्शन क्या दिखा रहा है 48, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आ रहे हैं कि 12% है जिसका एवरेज वेट 3 इंक्रीज हुआ, यानी 12 × 24 = 36 kg वेट आपका इंक्रीज हुआ है, क्लियर है, और किसको रिप्लेस किया था 58 kg वाले को, तो 58 kg भी ऐड कर दो, 8 × 6 = 14, 1 × 5 = 3, 8 × 1 = 9, यानी 49 kg, तो 49 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है 2 × 4 = 2, 7 × 14, यानी 47 kg, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है एवरेज वेट 47 kg, आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो बताइए चीजें आपके लिए सिंपल की है कि नहीं है, इतना शॉर्ट अच्छे से समझाया है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए, बेझिझक पूछिए कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक डाउट क्लियर नहीं होगी इन चीजों का कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टाइम टाइम पे डिपेंड होता है, सिर्फ टाइम और बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर टाइम, अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना और अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, ठीक है, बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कर लोगे। अब आप बताओ इसमें कोई ट्रिक अप्लाई होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती, थोड़ा सा अगर बेसिक्स क्लियर हो ना तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करना मत भूलना, और ये है आपके लिए होमवर्क, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में देता हूँ डेली एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ताकि जो बच्चा डेली इसको देखता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर भी करता है, ताकि हमें भी लगे हाँ आप सीरियस एस्पायरेंट हो, तैयारी अच्छे से कर रहे हो, और क्योंकि देखिए ट्राई करने में कुछ आपका जाता नहीं, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करो 2 मिनट,
ठीक है, 2 मिनट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 2 मिनट में इसको ट्राई करो और एक दूसरे से अपनी जो प्रॉब्लम है ना शेयर करते रहा करो, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें करो, टेलीग्राम ग्रुप में अगर समझना है उधर पोस्ट कर दो, एक दूसरे की हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्या पता आपसे जो आपका जो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं उसको इससे शॉर्ट मेथड बताओ, ठीक है। तो अपने एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखो ताकि उसको भी इस चीज से हेल्प मिले और वो भी इस चीज को क्या पता आपको इजी वे में समझा पाए, ठीक है। तो उसी किसी ना किसी की हेल्प लेते रहो, अपने अपने डाउट हैं वो एक दूसरे से पूछते रहो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहो, तो ताकि आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि इससे हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक एंड शेयर देख के, बहुत ज्यादा मजा आता है वीडियोज को और ज्यादा इंटरेस्टेड वे में बनाने का, ठीक है। नीचे डाउट बताइए कोई भी, हर क्वेश्चन और 5 है होमवर्क दिया उसका आंसर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जल्दी से बहुत ही कह सकते हो ना कि बहुत ही जल्दी आपके लिए लाइव सेशन करवा रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ पाओ, इसलिए शेयर करो तभी चैनल आपका सब्सक्राइब हो पाएगा। तो मैक्सिमम जितने भी सोशल हैंडल हैं आपके, स्टडी ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए, जहां भी है उस पर शेयर करते रहा करो, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।